साथियों, मोदी सरकार, योगी सरकार जब ये शब्द जबां पर आते हैं तो लोगों का ख्याल सीधे उनकी खाली जेब में जाता है और हर देशवासी आज केवल एक बात दोहराता है कि एक तो आमदनी कर दी कम और दूसरी तरफ महंगाई का गम। सुबह उठकर जब लोग चाय बनाते हैं तो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया पार है, खाना बनाते हैं तो खाने का तेल 200 रुपया पार है और दाल 150 रुपया पार है। काम पर जाते हुए स्कूटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 100 रुपया पार है। घर लौटते हुए सब्जी, दूध, आटा, दाल, राशन खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ गया। मोदी और योगी सरकारें जिस जनता के नमक की सौगंध खाकर सत्ता में आई थी उसकी कीमत भी दुगनी कर दी 7 साल में। लोग सुकून से अब एक प्याला चाय नहीं पी सकते। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में गई तो जो चाय 130 और 140 रुपया किलो थी वो आज 400 और 500 रुपया किलो हो गई। दाल, चना, राजमा, टमाटर, अरहर, मसर, मूंग, सब कुछ लोगों की थाली से दूर होता जा रहा है। जो डायन महंगाई है वो मोदी योगी सरकारों में घर जमाई बन गई है। तो एक तरफ देश के लोग महंगाई की आग में भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिए हैं तो दूसरी तरफ 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 780 करोड़ से बढ़कर और आज हो गई है 4850 करोड़, यानी 550% बढ़ गई। और हम दो, हमारे दो की संपत्ति हर रोज 1000 करोड़ बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की जेब तो काटी जा रही है पर बीजेपी की प्रॉपर्टी बढ़ रही है। आपकी तो तनख्वाह कट रही है, आपकी तो आय कम हो रही है पर बीजेपी की आय 700 करोड़ से लेकर अब 4850 करोड़ हो गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है पूंजीपतियों को सींचो, किसान, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग को की कमाई को खींचो। 12 साल में सबसे ज्यादा थोक महंगाई आज 14.23% पर है। छोटा सा एक आंकड़ा है भारत सरकार का। खुदरा महंगाई भी लगभग 6% पे है, 5.59%। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है एक्साइज ड्यूटी से। अगर 2014 में कांग्रेस की सरकार की एक्साइज ड्यूटी हो तो आज पेट्रोल की कीमत लखनऊ में 26.5 रुपया कम हो जाएगी और डीजल की कीमत 25.25 रुपया कम हो जाएगी अगर हमारे समय की हो। 2014 में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। मैं 7 साल की अगर औसत लगाऊं तो वो $40 बनती है, यानी 300% के करीब कम लगभग। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरेआम लोगों की जेब काटकर लूट रही है। कांग्रेस के समय पेट्रोल 71 रुपया था, आज उसी पेट्रोल की कीमत लखनऊ में मुझे लगता है कि लगभग 95.5 रुपया है, लगभग 95.5 रुपया लखनऊ में है, दिल्ली में 95.25 के करीब है और डीजल की कीमत 86 रुपया 87 रुपया के बीच में पूरे देश में। 3.56 रुपया डीजल पर एक्साइज लगाती थी कांग्रेस जो आज 22 रुपया है। 9.20 रुपया पेट्रोल पर एक्साइज लगाती थी कांग्रेस जो कम होने के बाद भी 7 साल के बाद आज भी 24 और 25 रुपया है।
ये वास्तविकता है। घरेलू और गैस है, कमर्शियल गैस है, पाइप्ड गैस है, उसकी कीमतों में अलग आग लग गई। 400 रुपया का बार बार मोदी जी ने सब जगह पेट्रोल पंप पर अपनी फोटो लगवाई, कहा उज्ज्वला बहनों को मैं गैस दूंगा। आज सारी उज्ज्वला बहनें लकड़ी उपले, जिन्हें खड़ी बोली में हम यूपी हरियाणा में गोसा कहते हैं, और चूल्हे के ऊपर या दोबारा मिट्टी का तेल कहीं गलती से मिल जाए तो उससे दोबारा रोटी पकाने को मजबूर हो गई। 400 रुपया का गैस सिलेंडर 937 रुपया 50 पैसे लखनऊ में है और हिंदुस्तान में कई जगह 1000 रुपया से ज्यादा है। एक रुचिकर बात पर जरूर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमत कम हो गई। 2014 में गैस थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मिलती थी उसकी कीमत थी $880 प्रति मीट्रिक टन, वो आज कम होकर रह गई $775 प्रति मीट्रिक टन, यानी $105 प्रति मीट्रिक टन गैस की तो कीमत कम हो गई पर गैस सिलेंडर 400 से 1000 रुपया हो गया। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े तलो, नाली से गैस बनाओ, योगी जी भी ऐसा कहते हैं, वो रोजगार है, पर उसके लिए सिलेंडर चाहिए पकोड़े तलने के लिए, वो 2000 रुपये का हो गया गैस का सिलेंडर, कमर्शियल जो गैस का सिलेंडर है। जो घरों को पाइप गैस देते हैं हम, वो 2014 में 24.5 रुपया प्रति यूनिट थी, वो भी अब 35.61 रुपया प्रति यूनिट हो गई, यानी वो भी 54% बढ़ गई। ये जो सीएनजी है, अब तो बहुत जगह सीएनजी चल पड़ी, सीएनजी कांग्रेस के समय में 38.15 रुपया थी, आज 68.10 रुपया प्रति किलो है, तो 75% वो भी बढ़ गई। ये कारण है, गैस, पेट्रोल, डीजल सबसे बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर महंगाई में ये हैं, और इन तीनों के रेट सीधे दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों एक स्टेट टैक्स लगाकर और एक केंद्रीय एक्साइज लगाकर बढ़ाती जा रही है। गरीब का सबसे बड़ा आवागमन का रास्ता रेल है, क्योंकि 2.5 करोड़ देश के लोग हर रोज भारतीय रेल से सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कांग्रेस के समय रेल का भाड़ा था 32 पैसे प्रति किलोमीटर, मोदी जी और योगी जी ने उस भाड़े को कर दिया है 1.10 रुपया प्रति किलोमीटर, यानी 343% की वृद्धि हो गई रेल भाड़े में। प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये का था, 10 का किया, 30 का किया, 50 का किया, अब थोड़ी देर के लिए फिर कम किया है, वो भी उसकी भी ये हालत है। माल भाड़ा था कांग्रेस के समय में 1.37 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर, वो हो गया साहब 1.88 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर, 40-45% वो भी बढ़ गया। कैसे जिएंगे लोग? क्योंकि ये नई और महंगाई जो वो लेकर आए हैं उनकी चर्चा करूंगा। नंबर एक पे कपड़े, 1000 रुपए तक की कीमत वाला कपड़े पर 12% जीएसटी लगा दिया 5% से बढ़ाकर। माफ कीजिए मैं क्या पूछ सकता हूं, जो अंगोछा हम हर रोज पहनते हैं, जो कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो रुमाल है, जो धोती है, जो कुर्ता है, जो छोटा मोटा पैंट कमीज है, 1000 रुपया तक गरीब और साधारण और नौकरी पेशा आदमी खरीदता, 5% से 12% जीएसटी लगाया, कांग्रेस ने विरोध किया, ऊपर से चुनाव आ गए, 31 मार्च तक स्थगित किया है, वापस नहीं लिया। लगाने के बाद निर्मला जी ने अब उसे 31 मार्च तक मुलतवी कर दिया, 31 मार्च के बाद फिर लग जाए, चुनाव की इंतजार है। जैसे 15 रुपया पेट्रोल और 15 रुपया डीजल बढ़ने वाला है और गैस सिलेंडर 150 रुपया बढ़ने वाला है, चुनाव की इंतजार है, जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हो जाएगा उसी दिन बढ़ जाएगा। जूते और चप्पल,
हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाना था, यही था ना जी। उन पर 5% से टैक्स बढ़ाकर 12% कर दिया, वो तो मुल्तवी भी नहीं किया, और वो भी 1,000 रुपए तक का। तो योगी जी और मोदी जी क्या कहते हैं, 10,000 का जूता खरीदो कोई दिक्कत नहीं, अगर 500 रुपए की या 100 रुपए की चप्पल खरीदोगे तो 12% टैक्स लूंगा। 1,000 रुपए से ज्यादा वाले पे नहीं बढ़ाया, केवल 1,000 रुपए तक वाले पे बढ़ाया, ताकि गरीब को चोट लगे। सब आप में से 3/4 पत्रकार नौजवान हैं, कुछ मेरी तरह बीच में लटके हैं, इस तरफ या उस तरफ नहीं, कुछ अजवानी साहब की तरह वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। ज्यादातर लोग कोरोना के समय में होम डिलीवरी करवाते हैं खाने की, बच्चे तो खास तौर से बाहर से ऑर्डर करते हैं, नौजवान लोग भी करते हैं। तो जितनी अब डिलीवरी सेवा है, रेस्टोरेंट सर्विस है, क्लाउड किचन है, उन पर 5% मोदी टैक्स, योगी टैक्स लगेगा। तो कोरोना में अगर घर में बैठे हैं, खाना खाएंगे तो उस पर टैक्स देंगे, ये 1 जनवरी से लागू हो गया। जितनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, FMCG हम जिसे कहते हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, छोटा मोटा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उन सब की कीमत में 10% इजाफा। बिस्कुट है, बच्चों का खाना है, मिल्क पाउडर है, साबुन है, तेल है, जितनी मैगी है, मैगी में तो 5 ग्राम ही मैगी चोरी हो गई है, कीमत कम करने की बजाय उन्होंने कहा वेट कम कर दो, तो इन सब की कीमत 10% बढ़ गई। अब ATM से अपना पैसा निकालेंगे या डालेंगे तो 1 जनवरी से उस पे अब 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन मोदी और योगी टैक्स लगेगा। ATM से पैसा नहीं निकाल सकते, पूरे उत्तर प्रदेश का, बिहार का मजदूर भाई जो हैं, कामगर भाई जो हैं, पत्रकार भाई जो हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, अब उन पर 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। 100 रुपया निकालेंगे तो 21 रुपया मोदी जी और योगी जी की जेब में जाएगा। हम ये उबर ओला सब नौजवान लोग इस्तेमाल अब करने लगे, तो मोदी जी ने कहा कि ये क्यों खाली रहे, तो 5% टैक्स, मोदी टैक्स उसके ऊपर भी लगेगा। तो अगर 100 रुपये के लिए मोटरसाइकिल उबर वाला उबर या छोटी मोटी कार वाली उबर ओला बुक करवाएंगे तो 5% टैक्स लगेगा 1 जनवरी से। कार और ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, इन सब को 1 जनवरी से और 31 जनवरी तक आप ये चेक करिए, और बाकी 15 फरवरी तक बढ़ जाएंगे सबके रेट ऊपर। सीमेंट जो है 340 रुपए में बिकने वाला सीमेंट का 50 किलो, एक साल पहले तक 300 रुपया था, अब वो जो है 400 रुपया पार, तो 300 वाला अब 400 रुपए का 50 किलो का कट्टा जो सीमेंट का है वो हो गया, तो घर बनाना भी मुश्किल। स्टील दूसरी चीज है, या 2020 से 2021 एक साल में दुनिया का अकेला ऐसा देश है हिंदुस्तान जहां स्टील की कीमतें 215% बढ़ी। अच्छा है कि सोने की बजाय हमारी बहनें स्टील लेके घर में रख लेती तो 215% बढ़ गया। अकेले नवंबर 2021 में, 2-3 महीने पहले, स्टील की कीमत 2,500 रुपया प्रति टन बढ़ी। 3 स्टील कंपनी बच गई है, मुझे और कहने की जरूरत नहीं। सेल को अगर मैं छोड़ दूं, जिनका मार्केट शेयर ही 17% है, तो 3 स्टील कंपनी है, सरकार इजाजत दे देती है। ये जितने इश्तहार भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं, ये 4,850 करोड़ जो हैं, इनके इलेक्टोरल बॉन्ड निकलवाएंगे तो पता चल जाएगा कि जब आपके मकान की सीमेंट और स्टील बढ़ रही थी तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा बीजेपी के खाते में जा रहा था, इसलिए बढ़ गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, अब उस पर भी कह दिया कि 0.5%, अगर 100 रुपया, अगर 1,000 रुपया करवाएंगे तो 0.5% कितना हुआ जवानी साहब, कोषाध्यक्ष से पूछना चाहिए, हैं जी, 1,000 रुपए का
₹50 देना पड़ेगा, वो मोदी जी के पास जाएगा। और अगर कोई पत्रकार किसी क्लब या एसोसिएशन में गया तो मोदी जी कहते हैं उसकी खैर नहीं, क्योंकि वहां पर भी अब 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी देना पड़ेगा, पिछली डेट से लगेगा। नर्सरी के जो बच्चे हैं अब उनको भी नहीं बख्शा। हम क्या करते थे, जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो इस तरह के अलग अलग कागजात दे देते हैं कि अच्छा बेटा पेंट करो, ABCD लिखो, क ख ग ग लिखो, कोई किसी चीज की तस्वीर बनाओ। अब उसके ऊपर भी पहली बार 5% जीएसटी लगेगा। ये इस देश की हालत है। तो इसीलिए हमने जो कहा शुरू में, भाजपा को हराइए और महंगाई पर विजय पाइए। महंगाई को शमशान में जलाइए, कब्रिस्तान में दबाइए, तमचे से मरवाइए, जीप के नीचे रौंदवाइए, कोई दिक्कत नहीं, कि कोई एतराज नहीं करेगा इस देश में। पर भगवान के लिए कम से कम महंगाई का, बेरोजगारी का, जो इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, उनसे निजात दिलवाइए। और उनसे निजात तब मिलेगी, उनसे छुटकारा तब मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा होगा।